नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। 10 दिन में दूसरी बार वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी, 2100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। देश के 15 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन, दिल्ली महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे केस, पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। कांग्रेस का दावा, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले, राम मंदिर के चंदे और जमीन को लेकर हुआ घोटाला, आज कांग्रेस करेगी खुलासा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7495 नए केस दर्ज, 434 लोग की मौत। मुंबई पुलिस के सामने आज पेश हो सकती है कंगना रनौत, सोशल मीडिया पर सिख समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाने का है आरोप। 2022 में चीन की आर्थिक वृद्धि तेजी से धीमी होगी, वर्ल्ड बैंक का अनुमान। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना आंकड़े में आई गिरावट, ओमिक्रॉन लहर के खत्म होने की उम्मीद। शानदार तेजी के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स में 300 अंकों की उछाल, निफ्टी 17,000 के पार। प्रो कबड्डी लीग सीजन 1 में मौजूदा चैंपियन बंगाल वॉरियर्स की जीत के साथ नए सीजन की शुरुआत, यूपी योद्धा को 38-33 से हराया। सनी लियोनी के मधुबन गाने पर बवाल, भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे, लोग गाने को बैन करने की कर रहे हैं मांग। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।